साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले दिनेश कार्तिक को आईसीसी टी20 रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। वो 108 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 87वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अफ्रीका के खिलाफ कार्तिक ने 5 मैच में 46 के औसत से 92 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 158 का था। ईशान किशन को भी टी20 रैंकिंग में फायदा हुआ है और वे 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये पहला मौका है जब ईशान ने टॉप 6 टी20 बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है। ईशान किशन टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। गेंदबाजों की टी20 रैंकिंग में युजवेंद्र चहल ने भी लंबी छलांग लगाई है। उन्हें 3 पायदान का फायदा हुआ है। वे 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 385 रेटिंग अंक के साथ नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए हैं। वहीं बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन 346 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली टेस्ट रैंकिंग में नंबर 10 पर काबिज हैं, जबकि गेंदों में रविचंद्र अश्विन और जसप्रीत बुमराह दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वनडे क्रिकेट रैंकिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का दबदबा बना हुआ है। नंबर 1 पर पाक टीम के कप्तान बाबर आजम हैं, तो वहीं नंबर 2 पर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले इमाम उल हक हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ा था। कोहली नंबर 2 से 3 पर आ गए थे। नंबर 4 पर रोहित शर्मा काबिज हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज टॉप 10 में हैं। रोहित शर्मा 754 रेटिंग पॉइंट के साथ 8वें, तो विराट कोहली 742 रेटिंग पॉइंट के साथ 10वें स्थान पर बने हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।